देखते क्या मिलता है। अरे तो भैया इन लाइनों से पीछे रहो, अब अंदर शॉप से पीछे खड़े हैं। शॉप से तो पीछे ही खड़े रहो अभी के टाइम पे, तो क्योंकि ये नहीं तो वो चला। वैसे सही कर दिया इस बार काफ़ी, जो मेरे को रूल लगे ना बहुत बढ़िया लगे इस बार, गवर्नमेंट बहुत सही कर रही है। क्योंकि ट्रैफिक रूल जितने तुम फॉलो करोगे ना उतनी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में। हाँ मेरी ये गलती थी, जैसे अगर मैं अगर तुम्हें डायरेक्ट बताऊँ, मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर तो नहीं, हाँ लेकिन ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइन पर मैं हमेशा टच रखता था। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर नहीं, हाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइन पर मैं हमेशा ही टच रखता था। और बाकी यार जल्दी से अपनी स्कूटी के भी होए, बाइक के होए। वैसे रैप पे ना निशान पड़ने लगे, हेलमेट रखते हैं, बैग जाता है, कोई नहीं दोबारा लगवा लेंगे। इस बार एक्चुअली मेरे दिमाग में ये है, एक तो ब्लैक लगवाऊंगा और ब्लैक के ऊपर जो अपनी वाइट नहीं आती वो, यहाँ से यानी ये अंकल जी ने नोटिस कर लिया था कि कैमरा है, तो वो तिरछी निगाह से देखे और छोड़ दिया। अंकल जी लड़की वाली स्टाइल मार रहे हो, लड़की वाली स्टाइल ऐसे ना करो, क्योंकि आज मुझे सेफ रहना, क्योंकि मैंने पेपर घर पे छोड़ दिए, मैंने अपना लाइसेंस भी घर पे छोड़ दिया, मैंने सब घर पे छोड़ दिया, इसलिए ये दिक्कत हो गई आज मेरे लिए। भाई साहब जाते ही डालूंगा, वैसे तो चालान नहीं काटेंगे, अगर होगा भी जैसे पकड़ा भी जाएगा चालान नहीं काटेंगे। मैं उसका नंबर बता सकता हूँ कि हाँ भाई ये मेरे लाइसेंस का नंबर है, तो वहाँ पे मुझे टेंशन नहीं है। बट ये है ना कि क्योंकि मैं खुद अगर गलती कर रहा हूँ तो वो मैं एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ भाई यार मेरी गलती, कि मैंने भूल गया। ये तो चालान तब काटेंगे ना जब बोलेंगे कि हाँ लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं होने का चालान, तो वो एक अलग चीज़ होती है। बट लाइसेंस है फिर चलान काटेंगे तो वो इनकी जिम्मेदारी है, वो फिर वो वहीं से अपने आपके सब। बस 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 इससे ज़्यादा पीछे भी नहीं जाना अपना को। चौथे गियर पे रोकना, रोक सकते हैं बाइक को तो किसी भी गियर में रोक लो, कोई नहीं पकड़ रोकता। बस अब यहाँ से देखो सीधा निकलूँगा, सीधा निकल के सीधा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, फिर देन बिल्कुल सीधा, फिर और भी सीधा, तो सीधा पहुँचते पहुँचते बिल्कुल ही अपने इग्नो ऑफिस। भाई ग्रीन हुई कहाँ है, अबे ग्रीन होगी तभी तो नहीं है ऐसी कटवा ले ना भैया, ना ना जी ना, इतना तगड़ा रिस्क नहीं लेगा जब तक वहाँ पे ना होगी ग्रीन। ये तो चल ही नहीं रहा साला, लग रहा है इसका सोलर पैनल खराब हो गया। कोई बात नहीं, चलो जब भी मैं देखता हूँ ना ये घर बन ही रहा होता है। ऑन करके रखनी पड़ रही है, उससे बोला था जितनी रामा होगी उतनी अच्छा है, वरना अभी तक तो तेल फिट का इस्तेमाल मैं कपड़ा कर लेता।
बैठे बैठे कानों में हाथों पैरों में खुजली होने लग गई यार। क्यों हाईवे सही है चलो अब चलेंगे, अब नहीं रुकना, अब रुकना नहीं है अपनी ग्रीन पर, तो बिल्कुल नहीं रुकना। अपने ग्रीन पर रुकना नहीं, दूसरे की ग्रीन पर चलना नहीं। एक साइड होके आराम से चलाऊंगा भाई, एक कोने में होके बहुत आराम से चलाना, कोई भगना नहीं है, कोई कुछ नहीं। अपना आराम से कोने में चलाओ, क्योंकि मैं अपनी बाइक को नहीं भगा सकता, ना ही मुझे भगानी है, क्योंकि इंजन का हुआ है काम, इसलिए अपना आराम से कोने में चलाओ, ऐसे लटर बग्गू से बच के रहो। लेकिन वैसे मैंने बोला क्या लगर बग्गू, ये देख अच्छा वोक्स वैगन की गाड़ी अभी भी बिकती है, मतलब सेकंड है। वोक्स वैगन कंपनी तो मशहूर है लेकिन इंडिया में नहीं है, इंडिया में तो अपनी मारुति सुजुकी सबसे ज़्यादा, और बाइक पे हीरो। अगले ही वीडियो में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, यहाँ से डेड लाइट बंद, सब बंद करा के मारोगे क्या? बस हमें तो छाया सी दे दो खड़े होने के लिए, वैसे तो 16 सेकंड है। बस छाया बहुत है यार, हम थक जाते हैं भाई साहब। हो गए कि ये ऑटो वाला बहुत सही था भाई, जा भाई जा। हमें आराम से चलना जाना है 50 की स्पीड पे, भैया हमें अभी कोई भागना भागना कुछ नहीं है। इसलिए अपन तो चलेंगे आराम से, बंदा अभी रखो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। तो वैसे तो यार मेरा मन पता है क्या कर रहा है कि दूसरी सर्विसिंग तक इसको आराम से चलाऊं, बट पता ही क्या है यार ऑफ रोडिंग के लिए ना वो जो चाहिए चीज वो मुझे अपनी उससे नहीं आ रहा स्टार सिटी से। ये बाइक फुल्ली हैंडलिंग बाइक है भाई, मैंने इसको सब कुछ के हैंडल वैंडल सब अपने हिसाब से उसे करवा रखे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ना मुझे थोड़ा वो लगता है कि यार उस बाइक से मैं जा रहा हूँ, मुझे एक वो मज़ा नहीं आ रहा जो आना चाहिए। ये चीज़ है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान रख रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ मेरी जल्दी से ग्लैमर के 500 हो और जल्दी से लेके पाऊँ इसे जिप के चलाओ। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से सीधा निकल जाऊँगा। चलो हो गई ग्रीन, जितना भी अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे हैज़ार्ड ऑन कर देता हूँ यार,
क्योंकि यहाँ पे बंदों को ना समझ में नहीं आता, यहाँ पे तो अंधाधुन चलती है इस रोड पे। यहाँ से लेके 12 बाइस तक की एंड की रोड तुम्हारी अंधाधुन चलेगी बाइक में, अंधाधुन बाइक हो गई कार हो गई अंधाधुन। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है भाई।